सुप्रीम कोर्ट से आने वाले राम मंदिर फैसले के सापेक्ष जिला और पुलिस प्रशासन कमर कसे हुए है। देश और प्रदेश की सरकारें किसी भी तरह की घटना और अफवाह से निपटने के लिए तैयार है। इसके लिए हिंदी भाषी प्रदेशों में पिछले काफी समय से पुलिस द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों के नागरिकों से सद्भाव की अपील की जा रही है और संदिग्ध क्षेत्रों में पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर आम लोगों को सुरक्षा का संदेश भी दिया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या मामले में किसी भी दिन फैसला आ सकता है। इसी के मद्देनजर आज मुरादाबाद फायर ब्रिगेड ने भी अपनी आमद कराते हुए शहर के व्यस्तम इलाके स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की। इसके माध्यम से लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि किसी भी घटना से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड सदैव तैयार है। फायर कर्मियों ने रोडवेज परिसर में ही एक बड़ी आग से निपटने का तरीका भी लोगों को समझाया और बताया कि किसी भी घटना के समय थोड़े से साहस की जरूरत होती है। इस ड्रिल के बारे में जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि वैसे तो वो लोग समय समय पर लोगों को आग से बचाव के तरीके बताते रहते हैं, पर चूंकि अयोध्या प्रकरण में फैसला आने वाला है तो इसके सापेक्ष ये ड्रिल की गई है। आज हमने जैसे पूरा हमारा भारतवर्ष एक सतर्कता की तरफ ज़्यादा हम ध्यान रखे हुए हैं कि हमारी जो नागरिक हैं वो हमेशा किसी चिंता में ना रहें, उसी दृष्टि से हर विभाग अपना जो सक्रियता है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और उसी दृष्टि को रखते हुए जो अयोध्या प्रकरण है उसका जो जजमेंट आना है कोई असामाजिक तत्व ऐसा कार्य ना करे कि जिससे कि जो हमारे नागरिक हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाइयां हो। उसी के सापेक्ष हमने लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करने के लिए और ये बताने के लिए कि प्रशासन हर डिपार्टमेंट आपके साथ में है, बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। उसी के सापेक्ष हमने एक फायर डिपार्टमेंट द्वारा एक ड्रिल का आयोजन किया गया रोडवेज पर। हमने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर जो बसों का आवागमन होता है, यहाँ पर जो लोग हैं वो किसी अन्य शहर में भी जाएंगे और वो इस चीज़ों से जागरूक होते हुए लोगों को ये बता सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं और हमारा प्रशासन, हमारी सरकार हमारे साथ में है और कोई ऐसी घटना होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि जिससे कि हमारी जान को खतरा हो।